वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप रोमन रेंज के फैन हो और आप कल सुबह सुबह रोमन रेंज के लिए उठ गए, कल को मंडे नाइट रॉ देखोगे तो आप ऐसी हरकत मत करना, इसलिए कि इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको पता ही है कि रोमन ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है WWE के साथ जिसमें एक कीड़ा है और उस कीड़े का करना ये है कि रोमन हर मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में फाइट नहीं कर सकते और वो साथ ही साथ हर पेपरव्यू में भी फाइट करना जरूरी नहीं समझते। इसलिए हमारे ट्राइबल चीफ कल के मंडे नाइट रॉ में भी नहीं आएंगे, तो आप भी गलती नहीं करेंगे। और मंडे नाइट रॉ के साथ साथ रोमन रेंस आपके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक्सट्रीम रूल्स 2022 में भी नहीं आएंगे, इसलिए एक्सट्रीम रूल्स 2022 में भी वही कीड़ा काम करेगा। तो आप रोमन से उम्मीद नहीं है। एक अच्छी खबर भी है और वो अच्छी खबर ये है कि रोमन रेंस 2022 में भी उनके अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले। तो इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो आखिर तक बने रहेगा। तो इस मनहूस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। इतनी लंबी बकवास के बाद हम मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जॉनी गार्गानो और डैनियल डेबिट करेंगे, उनके अपोनेंट पता नहीं कौन होंगे, ये आप देखना। मैं भी देखूंगा। डकोटा काई और उसका एक हरी मैच दिया जाएगा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का, तो देखते हैं इस बार वो सफाई से जीत पाती है। डोमिनिक मिस्टेरियो ने जो कांड किया था कि उन्होंने ना सिर्फ रेटेड सुपरस्टार बल्कि उन्होंने अपने बाप की बेटे कर दिया था, जिसको देख के शॉक हो गए थे कि बेटा बाप पे चढ़ गया। अगर आपका ऐसा बेटा हुआ था तो फिर आप क्या करते हो उसके साथ? मुझे कहीं बेटे की जंग को खत्म करवाने आए हैं रेटेड सुपरस्टार। तो हमें कल के मंडे नाइट रॉ में रेटेड सुपरस्टार वर्सेस द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ जजमेंट डे डोमिनिक मिस्टेरियो देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों के मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ पूरे मंडे नाइट रॉ शो में। ये बात मैंने कुछ ओवर की। भाई अब बात करते हैं रोमन रेंज को लेकर। भाई रोमन रेंज जो है वो आने वाले तो नहीं है मंडे नाइट रॉ में, और मैंने आपको ये भी बताया कि 2022 में चैंपियनशिप नहीं हारेंगे। और एक्सट्रीम रूल्स 2022 में रोमन रेंज फाइट कर रहे हैं नहीं, और एक्सट्रीम रूल्स के बाद होगा सर्वाइवर सीरीज। सर्वाइवर सीरीज में चैंपियनशिप मैच होगा नहीं, और अब तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच भी नहीं होगा। तो भाई क्या ख्याल है, तो अगर रोमन रेंज हारेंगे तो रिपोर्ट ऐसे निकल के आई है कि जब से ये सामने आया है कि रोमन रेंज चैंपियनशिप को मतलब अलहदा भी नहीं करेंगे, तो रिपोर्ट ये है कि रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप इतनी जल्दी नहीं हारने वाले। भाई मैं तो कसम से समझ नहीं आ रहा, और ये कह रहे हैं कि 2022 में रोमन रेंज अभी और लंबा टाइटल रेन बनाएंगे और 2022 में कम से कम तो नहीं हारने वाले। मुझे तो लग रहा है रेसलमेनिया 39 में भी रोमन रॉक को भी हरा के उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट में बताएगा, बिकॉज ये मनहूस वीडियो बाय द वे ये मनहूस वीडियो यहीं तक थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा, अगर मनहूस लगे हो तो अनलाइक कर देगा, बिकॉज गलती से बोल दिया था इसको।